जय जय श्री हरि भक्तजनों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आइए आपको गीता प्रेस गोरखपुर के एकाशी व्रत का महात्म्य नामक पुस्तक से आश्विन मास की इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुनाते हैं। आप इसका श्रवण कीजिए और प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। जय जय श्री हरि। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, राधे रानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तुलसी मैया की जय, एकादशी मैया की जय, एकादशी महात्मय की जय, गौ माता की जय, पिता माता की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे ये बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। राजन पूर्व काल की बात है, सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे, इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। उसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षे अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था, वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था, वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए। बोलिए श्री हरि की जय, एकाशी महात्मय की जय। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्यान्ह काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध्ये स्थित्वा निराहारे सर्वभोग विवर्जिते श्वो भोक्ष्ये पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। अर्थात, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा, अच्युत आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यान काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें, फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन इस विधि से आलस्य से रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो, इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे।
बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा ऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री हरि की जय, लक्ष्मी मैया की जय, एकाशी मैया की जय, एकाशी महात्म्य की जय, श्री राधे रानी की जय, श्री लड्डू गोपाल की जय, ठाकुर जी की जय, तुलसी मैया की जय, गोमाता की जय, पिता माता की जय, धरती माता की जय, आज के आनंद की जय, भगवत धाम की जय, भक्तोर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आइए भक्तजनों, बड़े प्रेम भाव से एक भजन का श्रवण कीजिए और प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। जय जय श्री हरि, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार, आत्माला को दीप दयाला, हरि है हजार आत्माला। मैं कहता चंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार आत्माला, को दीप दयाला, हरि है हजार आत्माला। क्या कहना समरस साईं का, रक्षक दीन दयाला, अपना हरि है हजार आत्माला, को दीन दयाला, हरि है हजार आत्माला। बटोरे कंकड़ पत्थर, कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कटीर कटीरा, अपना हरि है हजार आत्माला, को दीन दयाला, हरि है हजार आत्माला। मैं कहता कंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार आत्माला, को दीन दयाला, हरि है हजार आत्माला। नहीं सकता जग में कोई दुकान, नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा, जो इसको छेड़ेगा उसके, जो इसको छेड़ेगा उसके।